हाय एवरीवन सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑसिलेटर हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो था हमारा कॉलपिट ऑसिलेटर सो सेम कॉलपिट ऑसिलेटर का ही एक फॉर्म है ये सिर्फ इतना है कि जो टैंक सर्किट होता है उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर की जो पोजीशंस है वो स्विच हो जाएगी सो so, जो प्रीवियस uh, लेक्चर था मेरा कॉलपिट ऑसिलेटर उसमें मैंने डिटेल से बस इस टैंक सर्किट के अलावा जितने भी कंपोनेंट्स है क्योंकि वो सारे सेम है सो आई विल नॉट रिपीट इट क्योंकि इट विल मेक द वीडियो लॉन्गर सो so, वो सब चीजें अगर आपको समझनी है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं लेक्चर नंबर फिफ्टी नाइन इलेक्ट्रॉनिक्स प्ले में जाके सो so, यहाँ पर देखिए ये वाला डायग्राम जो हमने देखा है ये हमारे पास हार्टले ऑसिलेटर का सर्किट डायग्राम होता है जो बाहर से दिखाई देता है जैसा एक्चुअल सर्किट होता है सो एज यू कैन सी यहाँ पर कॉमन कॉमन इमिटर कॉन्फिग्रेशन का एक ट्रांजिस्टर है यहाँ पर ठीक है आर वन आर टू आर ई सब हमारे पास प्रॉपर बाइसिंग के लिए होते हैं सी हमारे पास बाईपास कैपेसिटर होता है सी बी

कॉलपिट में एल वन की जगह हमारे पास सी वन था एंड सी की जगह हमारे पास एल था सो सिंस एल सी सर्किट इज यूज टू प्रोड्यूस ऑसिलेशन इन सर्किट दैट इज वाई वी कॉल्ड इट एज अ ऑसिलेटर सर्किट और ये इसका नाम होता है हमारे पास टैंक सर्किट होता है क्या है प्रोसेस सब मैं प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कैपेसिटर को चार्ज कर देते हैं देन कैपेसिटर से जो करंट होता है वो एल में जाता है एल से वापस सी में आता है सी से फिर से एल में जाता है और इस तरह से ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं सो so, आज हम डायरेक्टली चलते हैं सो so, ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में कर रखा है सो so, ये सर्किट डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा सिर्फ यहाँ पर देखिए L2, L1 और C बस ये पोजीशन स्विच हुई है देन यहाँ से ये वाला सर्किट कैसे बनाते हैं ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखा है सो अगेन आई विल नॉट एक्सप्लेन इट आपको अगर देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो यहां से यहां तक आने वाला जो सर्किट है ये भी हमारा प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसीलिए वो वीडियो काफी लेंदी था ये इतना लेंदी नहीं होगा क्योंकि इसमें मुझे ये सारा सर्किट डायग्राम आपको बार बार दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक सो so, हम जो हमारा आज का टॉपिक है वो इसी सर्किट से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने बिकॉज आई एम फॉलोइंग सी बी एच पब्लिकेशन बुक क्योंकि ये जो सिंस आई एम फ्रॉम राजस्थान सो so राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें सी बी एच पब्लिकेशन की बुक हम यूज़ करते हैं सो so, मैंने वहीं से सारा मेरा कंटेंट वहीं से है सो so, जो कैलकुलेशन मैं स्किप करती हूँ वो आपको उस बुक में मिल जाएगी सो so, एनी बाकी जो चीज़ मुझे समझाने लायक लगती है वो मैं तो एक्सप्लेन कर देती हूँ सो so, ये वाला जो सर्किट डायग्राम है हम इसको लेके चलेंगे अब यहां पर देखिए करंट सोर्स हमारे पास कितना होता है जीएम जीएम क्या होता है वीबी क्या होता है एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन ये इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने ट्रांजिस्टर वाले टॉपिक में सब कुछ बता रखा है आपको और ये आई वन माइनस आई टू आई टू माइनस आई थ्री आई थ्री सारी सेम करंट है जो प्रीवियस लेक्चर में थी डाइग्राम बिल्कुल सेम है सिर्फ हमने कैपेसिटर और इंडक्टर का पोजिशन स्विच कर दिया है वो भी क्यों किया है वो मैंने आपको ऑसिलेटर के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था सो so, चलिए हम हमारी कैलकुलेशन पे आते हैं इस वाले लेक्चर में मैंने कैलकुलेशन भी डायरेक्टली बुक से लिया है आई विल जस्ट एक्सप्लेन हाउ इट इज डन

For me to explain you how we have applied law. So this is फॉर मी टू एक्सप्लेन यू हाउ वी है और हम एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे है? ये हमारा चलने का होगा, ऐसे तो आप यहाँ पर देखिए ये हमारा L1 है और ये हमारा L2 है ठीक है यहाँ पर सॉरी मैं कैपेसिटर लगाना भूल गई ये हमारा इस जगह कैपेसिटर भी लगा हुआ होगा ये करंट जो I2 है अब देखो ये करंट जाएगी C में से C में से तो पूरी पूरी करंट जाएगी यहाँ पे हमारा कुछ सेकेंड सर्किट स्टार्ट हो रहा है तो यहां से आई थ्री निकल जाएगा सो रिमेनिंग एलवन में कितनी करंट जा रही है एलेवन में एज यू कैन सी आई टू माइनस आई थ्री करंट जा रही है ओके okay, सबसे पहले लूप वन में देखते हैं सो पी पॉइंट से चलो चलो आई टू के लिए चले सबसे पहले सी में एंटर हो जाते हैं जैसे ही इस सी के अंदर आई टू करंट जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज किर्च ऑफ वोल्टेज लो लगाना है सो so एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हुए वोल्टेज का समेशन हमें जीरो करना है एज पर किच लो सी में से जब ये I2 टू पास होगी तो C का जो इम्पिडेंस होता है रिएक्टेंस प्रतिघात जिसको कहते हैं वो कितना होता है वन अपॉन ओमेगा सी राइट तो ये तो हो जाएगा रेजिस्टेंस वाला पार्ट इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं करंट से करंट कितनी फ्लो हो रही है इसमें I2 तो ये देखो ये वाला टर्म I2 टू मल्टीप्लाई बाई वन अपोन जेओमेगा सी बिल्कुल टू आई आर का फॉर्मूला लगा है यहाँ पे R रेजिस्टेंस होता है तो कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस uh, होता है वो वन बाय ओमेगा सी लेते हैं सो so, ये टर्म क्लियर हो गया देन हम देखो चलते हैं L1 में से अब यहाँ पर हमारे समझने वाली बात है कि जब L1 में से करंट पास होती है तो पोटेंशियल कितना आएगा ये ये तो रहा L1 का रेजिस्टेंस और ये उसमें पास होने वाली करंट तो ये टर्म तो हमको क्लियर है ये एक्स्ट्रा टर्म एम वाला कहाँ से आया सो आई वुड लाइक टू टेल यू आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि हमारे पास जो एल uh, होता है वो सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं तो इंडक्टर क्या किस तरह से काम करता है तो सपोज देखो हमारे पास जब कोईल होती है इस तरह से है ना ये कॉइल हमारे पास मेटल की बनी हुई होती है जब इसमें से कोई करंट पास होती है तो होता क्या है कि इसमें से जब करंट पास हो रही होती है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है क्यों किसी भी वायर में करंट फ्लो करवाओगे तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर लेता है सो तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें कुछ इस तरह से जनरेट हो जाती है जो इसी कॉइल में से निकलती रहती है फेराडे और लेंज के अकॉर्डिंग जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइनों की संख्या नंबर फ्लक्स उसमें चेंज होता रहता है तब तक इस कोयल में ईएमएफ इंड्यूस होता रहता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल भी कह सकते हैं वही पोटेंशियल ये है जो आपने लिखा है ओके यही पोटेंशियल है जो और लेंस के हिसाब से इसके अंदर इंड्यूस होता है जब तक करंट चेंज होती रहती है तब तक ये इसके अंदर इंड्यूस होता रहता है और टैंक सर्किट में वैसे भी मैंने आपको बता रखा है कि सी से करंट एल में जाएगी एल में पूरी मैक्सिमम होने के बाद कांस्टेंट नहीं होती है क्योंकि और लेंज ने बोला करंट की वैल्यू चेंज होती रहनी चाहिए तो वो सी को भेजता रहता है सी फिर एल को भेजता है फिर एल सी को तो करंट की वैल्यू तो एनी टाइम चेंज होती रहती है इसलिए ई एम एफ तो इंड्यूस होता हुआ हमें हर वक्त मिलता ही रहता है लेकिन जब ये अकेला एक कोई लगी हुई होती है तब हम सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस काउंट करते हैं जिसे हिंदी में बोलते हैं स्व प्रेरण अब बात करते हैं कि अगर दो कोईल पास पास में रखी हुई होती है तो हमें क्या करना है सो so, सपोज हमारे पास देखो यहाँ पर एक कोईल ऐसे रखी है और दूसरी कोइल इसके पास में रखी होती है जैसा ट्रांसफॉर्मर में होता है तो होता क्या है कि जब हम एक कोइल में करंट पास करते हैं तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें जनरेट होती है उनमें से कुछ लाइने क्या होती है दूसरी कोइल में से भी गुजरने लग जाती है तो दूसरी कोइल को ये तो पता नहीं है कि मेरे अंदर से करंट जा रही है या नहीं जा रही है उसको सिर्फ क्या दिखाई देगा कि मेरे अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है सो so, फेराडे और लेंज का लो वहां पर भी लग जाएगा अब क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है सो so, उसमें उसमें से जो कर, उस जो इंड्यूस होगा अब अगेन उसमें भी ई एम एफ इंड्यूस होगा पर उस ई एम एफ के लिए रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार तो वो खुद नहीं है कौन जिम्मेदार है सेकेंड वाली कोयल जिम्मेदार है तो उसकी करंट लेनी पड़ेगी आपको क्यों क्योंकि उसकी करंट बढ़ाओगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी उसकी करंट घटाओगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगी तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है पहले वाली कॉइल कर रही है ठीक है तो इस तरह के इंडक्टेंस को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं सो तो यहाँ पर जो L1 है उसमें से आई टू माइनस आई थ्री करंट जो जा रही है वो तो खुद की जा रही है तो उसकी वजह से भी एक ई आएगा जो कि हमने यहां लिख लिया है दूसरा जो L2 है L2 में से देखो करंट कितनी पास हो रही है I1 वन माइनस तो सेम L की जगह आपको M लिखना है और सेम ई का फॉर्मूला बनाना है तो J ओमेगा L1 की जगह क्या आ जाएगा J ओमेगा M आ जाएगा करंट कौन सी लेनी है जो कि दूसरे वाले में जा रही है Y क्योंकि L1 में से तो I2 टू माइनस जा रही थी उसका आपने लिख लिया अब ये जो दूसरी वाली वैल्यू आएगी वो एल की करंट की वजह से आएगी तो करंट कौन सी लेंगे आप एल की लेंगे आई वन

रीजन अगर आपको समझना है तो मैंने बता दिया दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है इसलिए दोनों का साइन भी क्या आएगा ऑपोजिट आएगा क्योंकि इधर जाओगे तो क्लॉकवाइज लूप बनेगा और एल टू वाले तो okay, so -E के हिसाब से करंट चाहोगे तो क्लॉकवाइज लूप बनेगा ओके सो हैं चलो आगे चलते हैं चलो यहाँ तक पहुंच गए ऊपर जाओ कोई कंपोनेंट नहीं आया अब देखो आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो है ना क्योंकि हमने जो लूप वन नंबर लूप जो है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलना है हमारी चलने की जो डायरेक्शन है दैट इज एंटी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटीक्लॉकवाइज चलेंगे तो देखो हम L2 से चलना चाहते हैं लेकिन L2 में जो करंट आ रही है I1 वन माइनस आई वो तो सामने से आ रही है और आप जा रहे हो ऐसे करंट आ रही है ऐसे इसका मतलग, जो ई एम एफ इंड्यूस होगा एल टू का खुद का वो भी आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा क्यों क्योंकि आप यहाँ पर देखो एक बार एलवन एलवन के आपने आगे कौन सा साइन लगाया है पॉजिटिव और एलवन के आगे जब आपने पॉजिटिव लगाया तो l1 में से करंट ऐसे जा रही थी और आप भी ऐसे चल रहे थे तो आपने कौन सा साइन लिया पॉजिटिव अब l2 में क्या हो रहा है l2 में करंट तो आ रही है ऐसे और आप चल रहे हो ऐसे तो दोनों क्या हो गए ऑपोजिट इसका मतलब जब l2 का सेल्फ इंडक्टेंस आप लोगे तो आपको कौन सा साइन लेना पड़ेगा नेगेटिव इसीलिए देखो ये l2 वाला कंपोनेंट है इसके आगे नेगेटिव आया अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एल के आगे नेगेटिव आ गया तो आपको M वाले कंपोनेंट में क्या लेना पड़ेगा पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्यों क्योंकि L1 की जो करंट है करंट कौन सी लिए देखो यहाँ पे I2 टू माइनस क्यों क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस हमेशा दूसरे कोइल की वजह से आता है और दूसरी वाली कॉयल का मतलब एल वन आई टू माइनस आई थ्री सो देट इज इक्वल टू जीरो सो इस तरह से लूप नंबर वन में बन जाएगा अब आगे बस ये फिजिक्स थी अब मैथ स्टार्ट होती है जो आपको खुद को करना आना चाहिए दोनों जो भी पूरी इक्वेशन है उस इक्वेशन में आप आई टू कॉमन ले लीजिएगा कॉमन लेंगे तो आपके इतने ग्रेजुएशन में आ चुके हो तो इतनी छोटी मोटी कैलकुलेशन तो यू शुड बी एबल टू डू इट ऑन योर ओन देन हमें क्या करना है पूरी इक्वेशन में क्या करना है डिवाइड बाय आई वन तो ये आई टू माइनस आई वन आ जाएगा आई थ्री बाई आई वन आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास आई वन आई वन जाएगा सो दैट इज इक्वेशन नंबर वन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना अगर आपसे ये कैलकुलेशन नहीं होती है तो बट आई थिंक आपको हो जाएगी नाउ फॉर लूप नंबर टू लूप नंबर टू की बात करते हैं येरा तो मैं एक बार लूप नंबर टू को थोड़ा सा इसको इरेज करके और फिर एक्सप्लेन uh, करती हूँ एक्चुअली मेरा uh, मेहनत बच जाती है जब मैं ये डायरेक्टली वहां से कॉपी कर लेती हूँ इट डजेंट मीन कि करना कर, करवाना करवाने में प्रॉब्लम आ रही है बट लिखने में टाइम वेस्ट हो जाता है वीडियो में ये कैलकुलेशन और लिखनी यही लाइनें हैं इसलिए चलो 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 कहा चले हाँ रेड वाला सो दिस इज लूप लूप नंबर नंबर के अंदर ध्यान से देखो चलना अपन को यहां से ही है चलेंगे अपन एंटी ये मेरा पाथ होगा ठीक ऐसे चलेंगे अपन एंटी एंटीक्लॉकवाइज तो आई थ्री है सबसे पहले किस में से पास हुआ एच आई में से एच आई ई क्या सिंपल सा रेजिस्टेंस है सिंपल रेजिस्टेंस में EMF कितना होता है आई इन टू आर तो ये देखिए आई थ्री इन टू एच आई अब देखो जब आप चलोगे ऐसे चलते आपका पाथ ऐसा है जबकि L1 में से करंट कहां से आ रही है सामने से तो L1 में से करंट ऐसे आ रही है और आप ऐसे चल रहे हो इसका मतलब जो भी ई एम एफ आप लोगे वो नेगेटिव साइन के साथ में आपको लेना पड़ेगा तो ये देखो नेगेटिव साइन के साथ में एलवन का ले लिया जैसे ही नेगेटिव एलवन लिया एम वाला टर्म ऑपोजिट होता है इसलिए एम वाले टर्म के साथ में क्या जाएगा पॉजिटिव साइन आ जाएगा और करंट आएगी आई वन माइनस आई टू क्योंकि इंडक्टर की वजह से होगा और ऊपर वाले में करंट है आई वन माइनस आई टू ठीक है सो so ये हमारे पास हो जाएगा तो यहाँ पे ये रहा हमारा लूप नंबर टू बस जीरो करो इसमें भी आई थ्री आई टू आई वन को अलग अलग कर लो कर लिया इसके बाद यहाँ पे क्या करना है पूरी इक्वेशन को आई वन से डिवाइड कर दो तो ये आपको टर्म्स मिल जाएंगे ये कैलकुलेशन वाला पार्ट प्लीज डू इट ऑन योर ऑन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द एम्पलीफायर आउटपुट वोल्टेज हम कहा पर मेजर करते हैं प्रीवियस कॉलपिट्स ऑसिलेटर से अगर आपको ध्यान हो तो C2 पर मेजर करते थे अब यहाँ C2 की जगह कौन आ गया L2 तो आउटपुट वोल्टेज आपको कहा मेजर करना है L2 के अक्रॉस मेजर करना है तो इस L2 के अक्रॉस देखो एक बार ये देखो L2 के अक्रॉस कितना आएगा तो L2 के अक्रॉस लेने के लिए हम क्या करेंगे इस L2 में से करंट कितनी जा रही है I1 वन माइनस और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा जे ओमेगा एल साथ में म्यूचुअल भी आएगा तो यहां पर देखो आपको क्या मिलेगा जे ओमेगा एल टू आई माइनस और साथ में एम वाला टर्म भी आएगा क्योंकि जेओमेगा एल वन वाले को आपने पॉजिटिव लिया है तो एम के साथ क्या जाएगा नेगेटिव तो ये V0 की वैल्यू होगी जो कि अक्रॉस एल टू कैपेसिटर है इसमें से देखो कॉमन लेके ये टर्म निकाला है हमने. मतलब आई वन कॉमन ले लिया है और ओमेगा भी कॉमन ले लिया है तो जैसे ही आई वन कॉमन लोगे यहां भी आई वन से डिवाइड कर दो यहाँ भी आई वन से डिवाइड कर दो तो ये टर्म आपको मिल जाएगा ठीक है बट आईवन इज इक्वल टू माइनस जीएम रीजन मैंने कॉलपिट में एक्सप्लेन कर रखा है कि माइनस क्यों लिया है वहां पर देख लीजिएगा गेन ऑफ द एम्पलीफायर ये फॉर्मूला भी कॉलपिट ऑक्सीटर में एक्सप्लेन कर रखा है तो V नॉट अपॉन वी बीई यहां पर अब कैसे लेंगे देखो ये जो I1 की वैल्यू है माइनस जीएम वी इस I1 की वैल्यू को आप यहां रखो सिर्फ यहां तो अगर मैं यहां पर रख दू यहां पर देखो माइनस जी ठीक है उसके बाद तो ये इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है v नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा माइनस जे ओमेगा जीएम वी बीई और ब्रेकेट में ये वाला पूरा टर्म अब इस वी बीई को क्या ले लो लेफ्ट साइड में डिवाइड कर दो तो वी नॉट अपॉन वी बीई इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा जीवन और ब्रेकेट में ये वाला टर्म तो ये देखो यहाँ पे आ चुका है ये माइनस जे ओमेगा जी एम जो ये वाला टर्म है और ब्रेकेट वाला टर्म है सो so, ये एम्पलीफायर का गेन हो गया फीडबैक वोल्टेज हमारा क्या होता है एच आई के अक्रॉस लेते हैं सो so, वो हमारे पास कितना हो एल वन के अक्रॉस लेते हैं बेसिकली है ना एलवन के अक्रॉस लेते हैं लेकिन एल वन और एच आई ई पेरेल कॉम्बिनेशन में है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा जैसा कि कॉलपिट में किया था सो so, यहाँ पे हमारे पास फीडबैक वोल्टेज आ जाएगा एच आई ई अपॉन इंटू आई थ्री और फीडबैक वोल्टेज का ये वाला फॉर्मूला सेम मैंने कॉल में एक्सप्लेन कर रखा है तो वी एफ की वैल्यू जो है वो तो ये रही एच आई इन टू आई थ्री और वी नॉट की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली है ये इक्वेशन नंबर थ्री में ये रही वी नॉट की वैल्यू कहा गई हाँ वी नॉट की वैल्यू देखो इन्होंने कहा कौन सी लिखी है ये जो वी नॉट की वैल्यू है ये वाली ये वाली वैल्यू यहाँ से आई है ये रही क्योंकि इसमें आईवन की वैल्यू पुट नहीं करी हुई है आईवन की जगह आईवन ही रखा हुआ है ठीक है तो ये वी नोट की वैल्यू इस जगह से यहाँ पर पुट करी है अब ए और भी हमारे पास दोनों आ चुके हैं इक्वेशन नंबर थ्री में आपको मिल जाएगा ए इक्वेशन नंबर थ्री से देखो आपको ए मिल जाएगा और बीटा आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर फाइव में तो सिंपली इक्वेशन यहाँ पे क्या कर रखा है थ्री इंटू फाइव कर रखा है ट्राई दिस ऑन योर ओन कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास ये टर्म बचेगा ठीक है ये वाला जो डेरिवेशन है ये मैंने आपको ट्रांजिस्टर वाले चैप्टर में करवा रखा है और कॉलपीटा ऑसिलेटर में एक्सप्लेन भी कर रखा है आप वहां पर इसको देख सकते हैं अगर मेरी पूरी प्ले आप फॉलो करेंगे तो ये सारे फॉर्मुले आपको हर जगह मिल जाएंगे नाउ यूजिंग इक्वेशन टू एंड अब देखो आपके पास ए बीटा ए बीटा के अंदर हमारे पास क्या चाहिए हमें हमें आई थ्री अपॉन आई वन चाहिए इसलिए हम पहले इक्वेशन सिक्स को छोड़ देते हैं पहले हम आई थ्री बाई आई वन की वैल्यू निकालते हैं थोड़ा सा ऊपर चलते हैं इक्वेशन आई थ्री अपॉन आई वन निकालना है तो ये देखो इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर टू में आपके पास क्या है आई थ्री अपन आई वन लेकिन इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास एक और रेशो दिया हुआ है I2 upon I1. तो I2 upon I1 की कहां पे आपके पास इक्वेशन नंबर वन में तो ये सारी वैल्यू जो है आपको ये वाली वैल्यू उठा के पहले रखनी है यहाँ पे उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा आई थ्री अपोन आई वन मिल जाएगा और वो आई थ्री अपॉन आई वन फिर उठा के आप किस में रखेंगे इक्वेशन नंबर सिक्स में ये देखो ये फिर तो यूजिंग इक्वेशन नंबर टू एंड वन सबसे पहले आई थ्री अपॉन आई वन निकाला है तो यहां से हमारे पास ये कैलकुलेशन आ गई ये जो x टर्म लिया हुआ है इस x के अंदर बेसिकली ये वाले ब्रैकेट को क्योंकि अदरवाइज लाइन बहुत लंबी हो जाती कॉम्प्लिकेटेड हो जाती तो थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दिया एल वन प्लस एल टू प्लस टू एम माइनस वन बाईगा स्क्वायर सी को एक्स से रिप्रेजेंट किया है ओके अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी तो इसको देखो क्या किया है यहाँ पे अः यहाँ पे आ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास क्या आ रहा है आई अच्छा क्या किया है हमने यहाँ हम पे देखो ये आई थ्री बाय आई वन और ये आई थ्री बाय आई वन दोनों है एक लेफ्ट हैंड साइड में है एक राइट हैंड साइड में तो दोनों को सेम साइड में ले लेंगे तो ये ये वाला वाला जो टर्म 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 है है ओनली इस वाले टर्म को किधर लेके आ जाओ इधर लेके आ जाओ और दोनों में से फिर कॉमन क्या आ जाएगा आई थ्री बाई आई वन तो ये देखो कॉमन ले लिखा है ठीक है तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा और एम वाला टर्म बचेगा जो कि देखो यहां लिखा हुआ है

ये जो जे ओमेगा है दोनों को डिवाइड कर दो तो यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वन बाय जेओटा क्या होता है ध्यान रखना बाय होता है माइनस का जेओटा जैसे बाय आयोटा होता है वैसे सेम सो तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम माइनस का एच आई ई साथ में जेओटा अपॉन ओमेगा और ये जब इससे डिवाइड होगा तो जे ओमेगा से जेओमा कैंसिल हो जाएगा प्लस एलवन आ जाएगा ठीक है माइनस एलवन प्लस एम का स्क्वायर अपॉन एक्स उसके बाद देखो ये ये टर्म यहां लिखा हुआ सेम सेम टू है और ये वाला टर्म पे देखो सेम टू सेम है ओनली एक्स को एलसीएम लिया है सिर्फ एक्स को एलसीएम लिया है इसलिए ये एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखो यहाँ पे है और जो दोनों का नीचे वाला एक्स था वो फिर ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस एम एक्स से ओके okay? सो so, यहाँ पर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिएगा सो so, आपके पास ए बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी ए बीटा की वैल्यू हमारे पास थी ये ये जो भी आई थ्री बाई आई वन आया है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है माइनस एच आई ई इंटू जी एम से तो माइनस एच आई ई इन जी एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एच आई ई जी एम और वो सारी वैल्यू आ जाएगी पर क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि जीएम और एच आई ई जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है एच एफ ई तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी रख सकते हैं माइनस एच एफ इसे मल्टीप्लाई कर लिया बेसिकली तो ये माइनस एच एफ इसे मल्टीप्लाई कर लिया ये वाला पूरा टर्म आपके पास क्या जाएगा आई थ्री अपॉन आई वन आ जाएगा अकॉर्डिंग टू बार थाउजेंड क्राइटेरियन हमें पता है कि ए बी मस्ट बी रियल तो जेवटा वाला टर्म नहीं होना चाहिए और जेवटा वाला टर्म कौन सा है ये इसको क्या करना पड़ेगा हमें जीरो करना पड़ेगा तो एक्स की वैल्यू हमने क्या मान के चले थे अपन ये ब्रैकेट वाला टर्म हमारा एक्स की वैल्यू था तो इसको हमने जीरो कर दिया जब हम इसको जीरो करेंगे और ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये क्योंकि ये तो वैसे भी जीरो के साइड में भेज दो सो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी और ओमेगा आते ही फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसेशन कितना होता है हमारे पास वन अपॉन टू बाई ओमेगा ओमेगा अपॉन टू बाई ओमेगा so, को जो है टू से डिवाइड करेंगे तो ऑफ फ्रिक्वेंसीन आ जाएगी ऑल्सो क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू जीरो आनी चाहिए तो हम यहाँ पे ये पूरा टर्म हमारे पास हटा देंगे जीरो आ जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर एल वन प्लस एम एल टू प्लस एम माइनस एम एक्स और नीचे सिर्फ ये दो टर्म ही बचेंगे तो इन दो टर्म को देखो लिख लेते हैं ये देखो सिर्फ ये बचा है हमारे पास करेक्ट सिर्फ हमारे पास ये बचा है बाकी तो टर्म हमारे पास क्या हो जाएंगे ये भी जीरो हो जाएगा देखो ये भी इसमें भी एक्स है ये भी जीरो ओनली नीचे क्या आ रहा है माइनस एलवन प्लस एम का स्क्वायर अब एक माइनस यहाँ पे है और एक माइनस यहाँ पे तो माँध माँध है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा सो तो हमारे पास सिर्फ इतना सा टर्म बचा है और यहां पर भी एक एलवन और एक एलवन प्लस एम आउट हो जाएगा और ये टर्म बच जाएगा फॉर एक्साइटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑसिलेशन बता रखा है आपको ए बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू वन सो ये एग्जाम में आपको कंडीशन पूछी जाती है हार्टले ऑसिलेटर की प्रूव कीजिए सेल्फ ऑक्साइड सेल्फ ऑक्सीेशन की जो कंडीशन होती है वो हमारे पास ये होती है सो दैट्स ऑल इसमें मैंने ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है आपको क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट आई है अपू यू एंड जो डायग्राम्स थे वो सारे मैंने कॉल पेट से रिलेटेड में एक्सप्लेन कर रखे हैं सो थैंक यू सो मच एवरी वन विल बी बैक्सून विद नेक्स्ट वीडियो